हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो भी हम वीडियो देख रहे हैं वो है डिफेंस अपडेट्स, एंड इसमें मेरे को लग रहा है ये कवर करेंगे पाक आर्मी चीफ वॉर्न्स इंडिया, चाइना फायरिंग एट LAC, गगनयान स्पेस सूट रेडी। ओरे वाह, ये लास्ट वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पर उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। LAC पर ओपन फायरिंग करने के बाद करीब 30 से 40 चीनी सैनिक अभी भी नुकीले हथियारों के साथ वहां पर जमे हुए हैं। सीमा पर तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्री अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ रशिया में आयोजित कर सकते हैं बाइलेटरल मीटिंग। विदेश मंत्री ने लद्दाख के हालातों को बताया है बेहद गंभीर। चीन के बाद अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ की भारत को खुली चेतावनी, और चीन को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी अपग्रेड करने जा रही है अपने BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को। जैसे कि आज दिन में हम आपको अपने क्विक अपडेट के माध्यम से कल सोमवार को भारत और चीन के बीच शुरू हुए एक नए विवाद के बारे में जानकारी दे चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि कल 7 सितंबर को चाइनीज ट्रूप्स ने एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की थी और वे लद्दाख में मौजूद इंडियन आर्मी की एक फॉरवर्ड पोजीशन के बेहद करीब आ गए थे। हालांकि इंडियन आर्मी ने चीनी सैनिकों के इस प्रयास को नाकाम कर दिया था, लेकिन इसी बीच चीनी सैनिकों की तरफ से हवा में कुछ वार्निंग राउंड्स फायर किए गए थे, और फिर जिसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से भी पर्याप्त जवाब दिया गया है। हालांकि अभी सिचुएशन यह है कि चीन भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत ने पहले फायरिंग की, और जबकि भारत ने चीन के इस आरोप को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि पहली फायरिंग चीन की तरफ से ही की गई थी। और बता दें कि LAC पर इस तरह की फायरिंग की घटना करीब 45 साल बाद सामने आई है, और अब इस विवाद से जुड़ी कुछ नई जानकारियां भी सामने आ चुकी हैं कि कल जो फायरिंग वाली घटना हुई है उसके बाद से ही रिजांगला के करीब बुक परे हिल पर चीनी सैनिक भाले और ऐसे ही नुकीले हथियार लेकर इंडियन आर्मी से कुछ ही मीटर की दूरी पर जमे हुए हैं, और जिससे दोनों देशों के बीच स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। और जानकारी के मुताबिक ये घटना कल सोमवार शाम करीब 6 या 7 बजे के बीच पूर्वी लद्दाख के रिजांगला इलाके के उत्तर में मुखपरी हिल पर हुई थी, और जबकि चीन इस पहाड़ी को सेंपाओ के नाम से बुलाता है, और ये जो पूरा एरिया है ये चुसूल सेक्टर के ही अंदर आता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कल वाली घटना से पहले LAC पर जो फायरिंग हुई थी वो हुई थी आज से करीब 45 साल पहले 1975 में, जब चीनी सेना ने पेट्रोलिंग कर रहे असम राइफल्स के जवानों पर फायरिंग कर दी थी, और इस घटना में हमारे करीब 4 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। और अभी फिलहाल LAC की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण है, और यहाँ पर 30 से 40 सैनिक मुखपरी हिल के नीचे डटे हुए हैं, और उन सभी के हाथों में भाले जैसे तेज धार हथियार मौजूद हैं। और इसी के रिगार्डिंग उनकी कुछ पिक्चर्स भी वायरल हुई हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये सब शुरू हुआ है 2930 अगस्त के विवाद के बाद से, क्योंकि चीन अपनी उस हार से बहुत बुरी तरीके से चिढ़ा हुआ है, और जिसके चलते अब वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। और जबकि चाइना के स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स और चाइना डेली की तरफ से इस विवाद को लेकर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल पर भी कुछ टिप्पणी की गई है, और इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने ये आया है कि हमने चीन की ये सारी रिपोर्ट्स देखी हैं जो कि पूरी तरीके से गलत हैं, और वो किसी भी तरह के फैक्ट पर आधारित नहीं है, और हम मीडिया से आग्रह करते हैं कि वो इस तरह की फर्जी रिपोर्टिंग ना करें। और बाकी आज के क्विक अपडेट में हम आपको ये बता ही चुके हैं कि चीन के स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ये तक कहा गया है कि चीन भारत के साथ कोई भी सीमा युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो चीन उसे पीछे भी नहीं हटेगा। हालांकि वो बात अलग है कि चीन बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि वो भारत के साथ कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो कभी भी नहीं जीत सकता है, और उसका कारण केवल ये नहीं है कि भारत चीन के मुकाबले इस तरह के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में सबसे ज्यादा ट्रेंड है, बल्कि ये भी है कि भारत को चीन के मुकाबले में सबसे ज्यादा युद्ध का अनुभव भी है। और वैसे भी 1962 से लेकर अभी तक भारत काफी ज्यादा बदल चुका है, और अभी के समय चीन अगर भारत से भिड़ता है तो भारतीय सेना चीनी सेना को पहली फुर्सत में रवाना कर देगी। आज शाम को CCS की एक मीटिंग आयोजित किए जाने की संभावना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के साथ अन्य सीनियर डिफेंस और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे। और जबकि इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि रशिया में SCO फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ भी मीटिंग आयोजित कर सकते हैं। लेकिन इस मीटिंग से पहले भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से पूर्वी लद्दाख के हालात को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूर्वी लद्दाख के मौजूदा हालात को बेहद ही गंभीर करार दिया है, और उनका कहना है कि ऐसे हालात में दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर बेहद ही गंभीर और गहरी बातचीत की जरूरत है। और उनका ये भी कहना था कि बायलेटरल मीटिंग्स के दौरान
सीमा के हालात से अलग अटकर दोनों देशों के बीच के रिश्तों को नहीं देखा जा सकता है और भारतीय विदेश मंत्री ने ये बात इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में कही है। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि रशिया में मीटिंग के दौरान वे अपने चाइनीज काउंटर पार्ट को क्या संदेश देंगे, तो उनका कहना था कि मैं उन्हें वास्तव में क्या कहूंगा, ये जाहिर है कि मैं आपको नहीं बता सकता हूं। हालांकि उनका कहना था कि उनका जो रुख है वो सीमा पर शांति बनाए रखने के व्यापक सिद्धांत पर ही केंद्रित होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें स्पष्ट है कि सीमा पर फोर्सेस का इस्तेमाल सबसे कम ही रहेगा। बाकी जांगला की ऊंचाइयों पर दोनों देशों के ट्रूप्स के बीच तनाव जारी रहने के बावजूद भी फिलहाल भारत और चीन दोनों ही लगातार एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इसके साथ आपको एक जानकारी और दे दें कि अरुणाचल प्रदेश के जो 5 युवा लापता हुए थे उन्हें ट्रेस कर लिया गया है। और इसके रिगार्डिंग इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को हॉटलाइन पर जो मैसेज भेजा था उसके जवाब में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से कंफर्म किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के वो 5 युवा उनकी ही तरफ हैं और बाकी अन्य तौर तरीकों के माध्यम से उन्हें भारत को हैंडओवर करने की प्रोसेस चल रही है। और जबकि कल की ही बात है कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि इसके रिगार्डिंग कुछ भी बताने के लिए उनके पास जानकारी है ही नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी अपने पुराने BMP-2 के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स में नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज को इंक्लूड करना चाहती है और इसे अपग्रेड के लिए 4 सितंबर को इंडियन आर्मी की तरफ से एक इनिशियल टेंडर भी जारी किया गया है। और इस टेंडर के साथ इंडियन आर्मी का कहना था कि सीमा क्षेत्रों पर एक बड़े पैमाने पर मैकेनाइज ऑपरेशंस के लिए और जो हमारे एडवर्सरीज हैं उनकी हरकतों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास पर्याप्त कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम यहां पर पैदा होने वाले किसी भी खतरे का सामना कर सकें। और बता दें कि ये BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बिल्डअप को काउंटर करने के लिए पूर्वी लद्दाख में तैनात भी किए गए हैं। हालांकि ये एंटी टैंक मिसाइल्स कैनन्स और मशीन गन्स के साथ इक्विप्ड हैं, लेकिन इनमें कमी है तो वो है नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज की, यानी कि रात के समय लड़ने के लिए ये सक्षम नहीं है। और इसलिए इंडियन आर्मी ने इनकी नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए टेंडर जारी किया है और आर्मी की तरफ से इस टेंडर का जवाब अक्टूबर के मध्य तक मांगा गया है। और आर्मी के इस अपग्रेड पैकेज में थर्ड जनरेशन का थर्मल इमेजर बेस्ड गनर साइट, थर्ड जनरेशन का थर्मल इमेजर बेस्ड पैनोरामिक कमांडर साइट और मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे अपग्रेड शामिल हैं। LEC पर चीन भारत के खिलाफ कुछ हरकत करे और उसका फायदा पाकिस्तान ना उठाए, ऐसा हो नहीं सकता। और इसलिए चीन के स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स की सीमा युद्ध वाली रिपोर्ट के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से भारत को चेतावनी दी गई है कि वो भारत के साथ फिर जनरेशन या फिर हाइब्रिड वॉर जीतेंगे। और ये फ्रेश चेतावनी सीधे आई है पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से। चलो इस बार कम से कम ये तो है कि इस तरह की चेतावनी किसी मिलिट्री पर्सनल की तरफ से आई है, वरना तो पाकिस्तान के रेल मंत्री भारत के साथ न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी दे देते हैं जैसे कि मानो न्यूक्लियर बॉम्ब उनके घर पे ही रखा है। बाकी इस बार पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने रविवार को रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर्स में आयोजित डिफेंस डे एंड मार्टर्स डे सेरेमनी के दौरान भारत को खुली चेतावनी दी है और ये दावा किया है कि वे भारत के साथ फिफ्थ जनरेशन या फिर हाइब्रिड वॉर जीतेंगे। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये कहना था कि पाकिस्तान हाइब्रिड वॉर के फॉर्म में कई अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है जिनका उद्देश्य होता है पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को बदनाम करना। वैसे बदनाम तो उसे किया जाता है जिसका कोई नाम हो, अब पाकिस्तान का जिसमें नाम है वो चीज़ तो पहले से ही बदनाम है। खैर छोड़ो, पाकिस्तान के समझ में ये बात कभी आएगी नहीं। बाकी पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि हम इस खतरे से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम देश के कोऑपरेशन के साथ इस युद्ध को जरूर जीतेंगे। हालांकि उन्होंने अपने स्पीच में भारत का कोई अलग से नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका ये जरूर कहना था कि अगर कोई युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से बराबर का जवाब दिया जाएगा। वैसे उन्होंने ये बताया नहीं कि पाकिस्तान का ये जवाब कैसा होगा, 1965 की तरह होगा, 1971 की तरह होगा या 1999 की तरह होगा। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी चीफ तो ये मानते हैं कि जो 1965 का वॉर था उसमें पाकिस्तान ने भारत को हराया था और उनका ये भी कहना था कि इस युद्ध में भारत पाकिस्तान की तुलना में कहीं गुना बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने भारत को हराया। बाकी उन्होंने कश्मीर पर भी 2-4 बकवास करी हैं। बाकी उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान रियलिटी में जीता है और हमारा खून, हमारा जुनून और हमारे कार्य हर मोर्चे पर इस बात के गवाह होते हैं। खैर उस देश की बात क्या ही करें जो दूसरों के रहमोक्रम पर चल रहा है। और वैसे भी पाकिस्तान को मालूम है कि अभी चीन और भारत के बीच वैसी विवाद चल रहा है और अगर पाकिस्तान इस स्थिति का फायदा ना भी उठाना चाहे और वो भारत के खिलाफ कुछ ना भी बोलना चाहे तो भी वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो अपनी मर्जी का करेगा तो उसका खर्चा पानी बंद हो सकता है। सोमवार को रशियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि रशियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंटरप्राइज व्यवस्था की तरफ से इंडियन एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस सूट्स के मैन्युफैक्चरिंग को शुरू कर दिया गया है जो कि भारत के पहले मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान का हिस्सा होंगे। और बता दें कि जो ये व्यवस्था है ये रशियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रोस्कोसमोस की एक सहायक कंपनी है। और बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि पहली बार इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP ने अपनी फीमेल डॉक्टर्स को लद्दाख की फॉरवर्ड लोकेशंस पर भेजा है
और ये कदम खास तौर पर एलएसी पर बढ़ रहे तनाव को देखकर ही उठाया गया है, जिसमें आईटीबीपी ने अपने कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में बदलाव करके अपनी फीमेल ऑफिसर्स को इस तरह की फॉरवर्ड लोकेशंस पर डिप्लॉय किया है, और जबकि इससे पहले केवल मेल डॉक्टर्स ही एलएसी जैसी फॉरवर्ड लोकेशंस पर भेजे जाते थे। सो काफी अच्छा वीडियो था ये, जो है ना ये काफी सारी चीजें कवर कर देते हैं एक ही वीडियो में। अच्छा है, मजेदार होता है, बहुत सारी चीजें, मतलब कितने, मतलब इतने पॉइंट्स होते हैं जो एक ही झटके में कवर कर देते हैं, विच इज अमेजिंग। इसमें एक बात ये थी कि डेफिनेटली जो फायरिंग हुई है इंडिया और चाइना के बीच में, तो ये एस्केलेशन वाली बात हो रही है धीरे धीरे, मतलब फायरिंग हो रही है। उसके बाद अब लास्ट पॉइंट ये था कि डॉक्टर्स ज़्यादा भेजे जा रहे हैं, फीमेल डॉक्टर्स जा रहे हैं, तो अब डॉक्टर्स क्यों भेजेंगे? कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ वॉर होगी तभी डॉक्टर्स जा रहे हैं, अगर मैं प्रिपेयरनेस की वजह से, साथ में टैंक्स को अपग्रेड करें नाइट विजन के लिए, क्योंकि उनको पता चला है कि डेफिनेटली चाइना के पास वहाँ टैंक्स जो होंगे उनमें नाइट विजन होगा, इसका मतलब वो अटैक कर सकते हैं नाइट में और यहाँ से अटैक नहीं हो पाएगा नाइट में, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नाइट विजन आए, इसलिए अपग्रेड जल्दी से हो रहा है। तो ये सब बातें जो है एस्केलेशन की बात नज़र आ रही हैं कि आपको टैंक्स अपग्रेड करने पड़ रहे हैं, आपको फीमेल डॉक्टर्स जा रहे हैं वहाँ पे, आपको नज़र आ रहा है कि उनके हाथों में भाले हैं और शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं लड़ाई झगड़े के लिए। उसके बाद वहाँ पे उनका साथी जो है पाकिस्तान, वहाँ से वो अपनी, उसने रेटोरिक चालू कर दिया है, तो ये काफ़ी, मतलब वो तो ऑब्वियस था कि ये कोऑर्डिनेटेड होगा जो भी होगा दोनों तरफ से, और तभी इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है रेडी हैं टू फ्रंट टल अटैक के लिए, कि अगर जो है ईस्ट से अटैक आएगा पाकिस्तान का, वेस्ट से होगा चाइना का, और उसके बीच में जो है अलायंसेस भी हैं, जैसे इंडिया के अलायंसेस बढ़ गए हैं अब यूएस के साथ, तो अगर कुछ भी मान लीजिए चाइना कुछ कुछ करता है तो डेफिनेटली यूएस क्यों हेल्प के लिए आएगा, क्योंकि यूएस अपने आप को सुपर पावर समझता है, रशिया अपने आप को सुपर पावर समझता है, तो वो कहता है कि वो सुपर पावर्स की थॉट ये होती है कि हमारे होते हुए कोई भी इंसान किसी कंट्री को कैसे अटैक कर सकता है बिना बात के, तो काफ़ी सारे उससे फ़र्क पड़ता है। मगर पॉइंट ये है कि जैसे जिस तरीके से इंडिया प्रिपेयर कर रहा है वो बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया रेडी है और इंडिया के पास एडवांटेज है स्किल की, कि जितनी ज़्यादा वॉर्स में इंडिया गया हुआ है स्किल ज़्यादा इंडिया में, तो अगर एक्चुअल फाइट होती है तो इंडिया जीतेगा अपनी स्किल की वजह से। उनके पास डेफिनेटली मोर वेपन्स हो सकते हैं क्योंकि उनका GDP ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, उनका डिफेंस बजट ज़्यादा है, मगर इन इरिस्पेक्टिव ऑफ इतने फैंसी प्रोडक्ट्स, वो लोगों को स्किल नहीं है फाइट करने की, तो यहाँ इंडिया के पास एडवांटेज है। तो और इंडिया जो है काफ़ी तेज़ी से अब इंडिजिनस काम कर रहा है, और मोदी जी ने भी अपने किसी स्पीच में बहुत क्लियरली कहा था, आई होप कि वो लोगों को सुनाई दिया था, और वह क्लियर कहा था कि एक समय पे हम स्ट्रांग थे इंडिपेंडेंस के बाद, उसके बाद पूरा निग्लेक्ट आया है आर्मी में, जहाँ पे सिर्फ इम्पोर्ट ही रह गया, इम्पोर्ट करो, ये भी इम्पोर्ट करो, वो इम्पोर्ट करो, और क्योंकि खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं की, खुद की वेपन्स बनाने की कोशिश नहीं की, उस समय इकोसिस्टम था, क्योंकि इम्पोर्ट करना शुरू हो गए तो सारा इकोसिस्टम ख़त्म हो गया। अब जो है उस समय तक और कंट्रीज़ काफ़ी आगे निकल गई, वो बात कर रहे हैं चाइना की, काफ़ी आगे निकल गई हैं, अब जो है कैचअप चल रहा है और अब सब आत्मनिर्भर होने की कोशिश करी जा रही है, तो बहुत कुछ हो रहा है। तो पॉइंट यही है कि फिर मोदी जी ने क्लियर किया है कि इतने साल से कुछ नहीं हुआ, अब मैं आया हूँ, अब मैं कर रहा हूँ और मैं ज़बरदस्त करूँगा, अब देखते हैं। और मोदी जी कई बार टेंस भी नज़र आते हैं, वो इसलिए है कि जो प्रेशर्स हैं लाइफ के, और जो भी था इनकी हेडलाइंस काफ़ी अच्छी थी, और सभी लोगों को ये दुख हुआ था सुन के कि फायरिंग हुई है, मगर इंडिया रेडी है। और आपको पता ही है जैसे कितने सारे लोगों ने कहा कि चीन चाइना के हिसाब से वो सिर्फ रिस्पेक्ट करते हैं पावर को, तो आपको अगर पावर रहेंगे, रेडी रहेंगे, लड़ाई करने को रेडी रहेंगे, तभी रिस्पेक्ट जनरेट होगी। तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे न्यूज़ के, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है इनका खासकर चैनल से ये न्यूज़ अपडेट्स सुनना, तो लेटेस्ट अपडेट्स वो आपको बहुत जल्दी सब इम्पोर्टेंट बता देते, तो हम जैसे जो दूर हैं जिनको पता करना है
फैंटास्टिक वे है कि पता करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो न्यूज आती है ये वेस्टर्न व्यू पॉइंट से ज्यादा आती है, क्योंकि जो यूएसए में बैठा है वो जो भी सर्च करेगा तो गूगल जो होता है अपने सर्च को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अगर आप वही चीज को क्वेरी करते हैं, सर्च करते हैं इंडिया में तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा, वही चीज को अगर आप यूएसए में सर्च करेंगे तो डिफरेंट आएगा, क्योंकि वो यहाँ के न्यूज़पेपर से ग्रैब करते हैं वहां, तो हमें जो है एग्जैक्टली जो है नहीं, क्योंकि कई यहाँ पे न्यूज आई थी जिसे देख के मुझे और थोड़ा परेशान हुआ था मैं, कि कहीं को लिखा हुआ था कि एक्सपर्ट्स का कहना है, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का, जिसको मैं बिलीव नहीं करता, किसी और एक्सपर्ट का है कि हो सकता है चाइना ने 400 स्क्वायर माइल्स का ले लिया हो लद्दाख में। तो जब मैं पहले बोल रहा था कि ये न्यूज़ नहीं आ रही, अब अल्टीमेटली मेरे को न्यूज़ आई है जहाँ पे यहाँ पे बोल रहे हैं कि हो सकता है चाइना ने 400 स्क्वायर माइल्स, कह रहे थे 400 स्क्वायर माइल्स का एरिया हो सकता है चाइना ने ले लिया हो इंडिया का। और मुझे क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं चलता यहाँ के न्यूज़पेपर को, क्योंकि वेस्ट को भी कहीं से न्यूज़ आ रही है, मगर उनके हिसाब से था कि एक्सपर्ट्स ले लिया, बट आप लोग बताइए अगर आपको कुछ ऐसा पता है कि क्या चल रहा है, मगर यहाँ पे ये न्यूज़ एक दिन पहले आई है। तो फ्रेंड्स बताना कि क्या ये न्यूज़ आपके वहाँ पे भी आई है और कितना इसमें सच्चाई है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।